आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और प्रथम चरण के नामांकन का समय बहुत ही नजदीक आ गया है। इसी क्रम में आज हम राजधानी लखनऊ के चौक क्षेत्र के भवानीगंज वार्ड में हैं। आइए हम जनता से बात करते हैं कि वो अपना होने वाला पार्षद या सभासद कैसा चुनना पसंद करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम हुमैस अहमद है। आपको चुनाव के बारे में पता है? जी, चुनाव होने वाले हैं, 26 तारीख को हमारा इलेक्शन है। अभी आपके यहाँ से पार्षद कौन है? बहुत से पार्षद इस टाइम इश्तियाक अली हैं, सपा वो पीस पार्टी के थे, फिर बाद में सपा ने ज्वाइन कर ली थी। क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? देखिए, कार्य के बारे में तो संतुष्ट तो जनता है, लेकिन जनता का मामला ये है कि कार्य जिस तरह से उन्हीं ने वादे किए उस तरह से काम नहीं हो पाया है। क्योंकि जब जनता के बीच में गए थे तो कहा था विकास होगा, विकास के ऊपर वोट दिया गया, उनका साथ दिया गया, पर मामला ये रहा कि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। तो नए चेहरे के रूप में आप इस बार किसको देखना पसंद करेंगे? नए चेहरे में एक हमारे युवा प्रत्याशी हैं श्री गयास अहमद जी, जिनका चुनाव निशान लालटेन है। उनका साथ पूरे जनता कर चुकी है, मन बना चुकी है और उन्हीं का साथ दिया जाएगा, गयास अहमद जी का। यहाँ पे अभी और भी बहुत से लोग हैं, आइए हम इनसे भी कुछ बात करते हैं। कैसा पार्षद चाहते हैं आप? जी, मोहल्ले क्षेत्र की सुरक्षा करे और जो लोगों की कमियां हैं उनको पूरा करे, ऐसी पार्षद चाहते हैं। जी, आप कुछ बताएंगे कैसा पार्षद चाहते हैं? मैम, पार्षद आपको ऐसा चाहिए जो जनता के सपोर्ट में उतरे, सफाई को ध्यान में मद्देनजर रखे, लाइट के ऊपर, पानी के ऊपर ध्यान दिया जाए, ऐसा सभासद हमको इस बार चाहिए। जिसके लिए हमने अपने गयास भाई जो हमारे हाजी रियाज अहमद साहब के पुत्र हैं, जो हाजी रियाज अहमद साहब हमारे जो है भवानीगंज वार्ड के बहुत मातबर इंसानों में, उन्हीं ने नेता नगरी में ना रहते हुए भी कई लोगों का साथ, अच्छे में, बुरे में, हर चीज़ में उन्हीं ने साथ दिया है। अब की जनता की राय बन गई है कि जो है आप अपने घर से किसी को लड़ाइए, तो हम लोगों के कहने पर उन्हीं ने अपने बड़े साहबजादे गयाज अहमद को खड़ा करा है, जिनका चुनाव निशान लैंटाइन और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से खड़े हो रहे हैं वो, और हम लोगों का और पूरे जन भवानीगंज वार्ड का समर्थन उनके साथ। क्षेत्र की और भी कुछ समस्याएं हो बताइए। क्षेत्र की तो बहुत समस्याएं हैं, जैसे सफाई, पानी, बिजली, सीवर, कई समस्याएं हैं। जो माननीय इससे पहले इश्तियाक साहब थे पार्षद, वो अपने वादों पे खड़े नहीं उतर पाए हैं, इसलिए हम लोगों ने एक नया और युवा चेहरा ला के कोशिश इंशाल्लाह करी जाएगी कि हमारा भाई जीते, उसको जिताया जाए। आइए बढ़ते हैं और लोगों की तरफ, इनसे भी हम कुछ बात करते हैं। ओके, तो अभी तक जो पार्षद थे, क्या आप इनके कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं? तो कार्य ही नहीं किया तो संतुष्ट क्या हो, ना रोड बनी, ना लाइटें लगी कभी आज तक के, ना पानी, ना सीवर लाइन आई भी नहीं करते। तो नए शहर के रूप में आप इस बार किसको देखना पसंद करेंगे? इंशाल्लाह गया तो अपने भाई को देखेंगे, जो लालटेन स्कूल खड़े हो रहे हैं जनता दल पार्टी। पर अभी और भी जनता है और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी उपस्थित हैं, आइए हम इनसे चलकर भी कुछ बात करते हैं। आप बताइए कि आप कैसा पार्षद चाहती हैं? गयाज अहमद जैसा, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत हमदर्द है और बहुत ही मददगार है, अपनी गाड़ी देता है, पानी देता है, मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत हमदर्द है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे अपने महल्ले में एक अच्छा एक हमदर्द आए, जिससे हम लोग को आराम हो, हम सबको पूरे। आप बताइए कैसा पार्षद चाहते हैं? जो इस देश को जो है सेवा कर सके, अच्छे से देखभाल कर सके, हम गरीब हैं, हम लोगों की मदद कर सके। अभी आपके यहाँ से पार्षद कौन है? इश्तियाक अली। नए चेहरे के रूप में आप इस बार पार्षद किसको चुनना पसंद करेंगे? गयास अहमद। बताइए मैम, कैसा पार्षद चुनना पसंद करेंगे आप? हम गयास अहमद को चुनना चाहते हैं। और अभी तक आपके यहाँ से जो पार्षद थे हैं, क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? आपको प्रॉपरली सुविधाएं मिलती थी, जैसे बिजली, पानी? कोई सुविधा नहीं, हम लोग कहते हैं पानी के पीछे परेशान होते, कोई सुनवाई नहीं होती हम लोग के, बत्ती के लिए भी कोई सुनवाई नहीं होती हम लोग को, जो कुछ भी कहते हैं कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी तक आपके यहाँ से जो पार्षद थे, क्या आप उन्हें दोबारा से वोट करेंगे? नहीं करेंगे। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, आप हमें कुछ बताइए कि आप कैसा पार्षद चाहती हैं? अभी तक जो पार्षद थे, आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? आप गयास भाई को क्यों चुनना पसंद करेंगे? क्योंकि वो गरीबों की मदद करते हैं। उन्होंने अभी तक क्या क्या कार्य करवाए हैं?
पानी देते हैं, कोई परेशानी होती है उसका साथ देते हैं, मदद करते हैं, गरीबन को रक्षा करते हैं, अच्छी वो करते हैं, सुनो बुरा किसी को नहीं चाहते। मजूरी आदमी करते मेरे सबके, ग्राहक ठौर नहीं है, किराएदार सा, बस मेरा राशन कार्ड भी कैंसिल हो गया, तो राशन मिलता था वो भी बंद हो गया, कुछ भी नहीं मिलते, कोई भी नहीं कुछ सुनते हैं मेरा भाई। इस बार नए चेहरे के रूप में आप किसे चुनना पसंद करेंगे? हम गया जमा जैसा, और हमें कि यहाँ पे जो भी कोई आया उससे कोई काम ऐसा नहीं है, ना पानी ना बिजली ना नाली, इतनी बीमारियाँ फैली हैं कि कोई सुनवाई ही नहीं है, हर जमादार तक के नहीं आता है। तो उसे हम लोग ये चाहते हैं कि जब से बुलाते हैं तो ये लोग जो हैं आ जाते हैं इन लोगों के कहने से, मगर और नहीं आते हैं। हम यही चाहते हैं कि गयाज अहमद जैसा हमको पार्षद चुनना चाहिए। जी आपका नाम? दिलीप अग्रवाल। कैसा पार्षद चुनना चाहते हैं आप? मैं तो गयाज जैसा चुनना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत परेशान हो गया हूँ इश्तियाक अली से, पूरी इनको सपोर्ट करके मैंने जिताया, किसी कोई सुनवाई नहीं। पूरे भवानीगंज क्षेत्र में जाता है आदमी लौटी चला आता है, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे कोई गयाज भाई से जरा सा कहो, कोई फरसत नहीं, कुछ नहीं। अब ये पहली बार खड़े हुई, क्योंकि इनके में काम करने की क्षमता है, क्योंकि काम लोग करवाते हैं। मैंने ये चीज़ देखी यहाँ पे, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी, कोई काम चाहे रात हो चाहे दोपहर हो, किसी टाइम आता है उसका काम यहाँ पे होता है। इनका चुनाव चिन्ह जो लैंटर्न है उस पर भी मोहर लगनी है, और पूरा क्षेत्र इनका सपोर्ट करेगा। इश्तियाक ने कोई आज तक काम नहीं कराया। उन्होंने ये कहा था कि मेरा पैसा है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गरीबों की मदद करूँगा, आज तक कुछ नहीं, सिर्फ फर्जी काम अपना देखा और कुछ नहीं। आज तक यहाँ सीवर नहीं पड़ी, अपने क्षेत्र में उन्होंने सीवर करवाया। मैं चाहता हूँ भाई गयाज भाई को पूरा सपोर्ट, पूरा भवानीगंज क्षेत्र करेगा। क्या इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को पुनः सफलता मिलेगी? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि भाजपा जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, उनके पास यही सुनवाई होती नहीं तो फायदा क्या। हमें काम जो करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पे बीजेपी और साइकिल वो भाजपा नहीं दे, हमें सिर्फ जो कार्य करेगा उसको देखेंगे। तो इस बार आप नए चेहरे के रूप में पार्षद किसे देखना पसंद करें? अपने गयाज भाई को देखना चाहती। जी आपका नाम? मेरा नाम गयाज अहमद है, और मैं मोहल्ले में और घर में सोना के नाम से मशहूर हूँ यहाँ। आपका मुख्य चुनावी मुद्दा? मेरा बस समाज सेवा है कि अपने मोहल्ले के जो लोग हैं इलाके के, उनकी किस तरह से कोई किसी काम आ जाऊँ मैं, बस यही मेरा मुद्दा है इसका। अभी आपके यहाँ से पार्षद कौन है? मेरे यहाँ से इश्तियाक अली साहब हैं, वो अभी मतलब समझ लिए उन्होंने जो भी वक्त गुजारा है, तो लोगों की समस्याएं आज भी लौट के घूम फिर के लोग शिकायतें कोई ना कोई करते ही रहता है हर समय। क्या जो वादे आप जनता से कर रहे हो चुनाव के बाद वो पूरे भी होंगे? जी ज़रूर पूरे होंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिसकी जो भी समस्या हो उसको उसी वक्त फौरन उसको एक्शन में लिया जाए और उसको पूरा किया जाए। जब हम क्षेत्र में गए तो जनता जिस तरीके का भरोसा आप पर दिखा रही है, क्या आप उस भरोसे पर खरे उतरेंगे? जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। जनता असल में ये सोचती है कि हम लोग जब कोई पद नहीं है और ऐसे ही हम लोग दूसरों की जो भी समस्या होती है उसको पूरी कोशिश करते हैं कि किसी के काम आ जाए, तो इसलिए जब कोई चीज़ हमारे पास होगी, कोई पावर होगी, तो उसके लिए और सेवा करी जाएगी और किसी के काम आया जाएगा। आप किस पार्टी से हैं? राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है मेरी, जिसका चुनाव निशान लालटेन है। आपके यहाँ का कोई मेयर प्रत्याशी तो है नहीं, तो किस तरीके का फंड आप लाएंगे? उसके लिए जो भी फंड आएगा तो उसको क्षेत्र के ऊपर लगाया जाएगा, लोगों की समस्याओं को पूरा किया जाएगा, जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस पर पूरा ध्यान तवज्जो दी जाएगी। कैमरामैन चित्रांश के साथ मैं हूँ रूपांशी मिश्रा, खबरों की दुनिया, केकेडी न्यूज़, लखनऊ।